श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तक का यह विशेष एस्ट्रो तक प्रोग्राम आप लोगों के लिए धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज मैं माता के छठे रूप की बात करूंगा, छठे रूप की पूजा किस प्रकार माता की जाए और माँ किस राशि पर माँ की जबरदस्त अनुकंपा होगी, उन दो राशियों के बारे में बताऊंगा कि वो दो राशि वाले जातक कैसे माँ की पूजा करें जिससे वो विशेष माँ के लाभ के पात्र बने तथा अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करें। सबसे पहले मैंने माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता और अब कात्यायनी थी, कात्यायनी माँ के बारे में बताऊंगा। देखिए माँ कात्यायनी, यह इनकी पूजा जब प्रारंभ करें तो पांव जो धोएं वह रक्त चंदन मिश्रित जल से पांव धोएं तथा संभव हो सके तो गुलाब के अर्क का प्रयोग करें पूजन में, जल में गुलाब का अर्क मिला दें। माँ को आचमनि अर्घ इत्यादि अर्पण करने के बाद माँ को लाल या नीला गुलाब मिले तो उसको लेकर या नील कमल को लेकर माँ को अर्पित करें, आसन के रूप में माँ को दें। ध्यान रखें आसन में देते समय भाव भक्ति से युक्त होकर करें। साथ ही साथ माँ की पूजन में पंचामृत का प्रयोग करें, स्नान कराने में पंचामृत के बाद माँ को शुद्ध जल और रक्त वस्त्र अर्पित करें। जी लाल रंग का वस्त्र माँ को, माँ कात्यायनी को बहुत प्रिय है, वो अर्पित करें। जिस महिला की शादी नहीं हो रही हो या शादी में कुछ विविधान आ रहा हो वो माँ की पूजा मन से करें। कारण माँ कात्यायनी जो है वो ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है और विवाह तथा मनोनुकूल पति या पत्नी प्राप्ति के लिए माँ की पूजा की जाती है। यदि मन में आपके भाव भक्ति से युक्त होकर श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करें तो माँ कात्यायनी आपके मनोनुकूल पति या पत्नी की प्राप्ति करवा देती है। प्रेम विवाह में जिसे समस्या आ रही हो वो भी ऐसा करें, उनके लिए भी यह लाभ की प्राप्ति रहेगी, उनका भी प्रेम विवाह हो जाएगा। साथ ही साथ माँ को भोग लगाएं, धूप दीप के उपरांत माँ को भोग दें। भोग में आप प्रयास करें कि दूध के बने हुए मिष्ठान हो, दूध का बना हुआ मिष्ठान माँ को बहुत प्रिय है, दूध का बना हुआ मिष्ठान माँ को भोग लगाएं। और उसके बाद माँ को आप मधु का भी भोग लगाएं, माँ को मधु भी बहुत प्रिय है। उसके उपरांत माँ से क्षमा प्रार्थी क्षमा मांगे और महिलाएं इस मंत्र का 108 बार जाप करें जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और पुरुष यदि हो और पत्नी की कामना हो तो मांगे माँ से पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जी हाँ, इस मंत्र का 108 बार पुरुष जाप करें तो उन्हें मनोनुकूल उनकी उनको पत्नी की प्राप्ति होती है। अब माँ से क्षमा याचना भी कर लें और जिसे वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो वह साप विमोचन मंत्र पढ़ें, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी माँ दूर करती है। अब वो दो राशि जिस पर माँ कात्यायनी की विशेष अनुकंपा है वह दो राशि है मकर और कुंभ। जी मकर और कुंभ राशि पर माँ की विशेष अनुकंपा है। मकर राशि वाले जातक माँ की पूजन में
जो प्रसाद का प्रयोग करें वह प्रसाद दूध से बने हुए प्रसाद और उसमें मेवा डालकर माँ को भोग लगाएं, केसर जरूर रहे और उस प्रसाद का वह आसपास के जो गरीब लोग हों, जो भी ऐसे जो दिखें उनको दे भी दें, परंतु खास करके उन गरीब लोगों में जो निसहाय हैं उनको जाकर प्रसाद खिलाएं, मिष्ठान का भोजन कराएं। माँ कात्यायनी काफ़ी प्रसन्न होती है। और कुंभ राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातक माँ को मिट्टी के घड़े में प्रसाद का भोग लगाएं। यदि मिष्ठान इत्यादि माँ को मिट्टी के घड़े में भोग लगाएं और वह मिट्टी के घड़े को लेकर आसपास जो बच्चे हैं या नव दंपति यदि आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। कुंभ राशि वाले जातक के लिए आप उनको मिठाई जरूर अर्पित करें, मिठाई खिलाएं, या आपके आसपास कोई सखा संबंधी में नव दंपति रह रही हो तो उनको जाकर मिष्ठान का दान दें, इससे आपकी मनोकामना को की पूर्ति होगी। अब आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, नमः पार्वती पते।